फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं एटेक चैनल। और आज की जो वीडियो है वो 3D प्रिंटर के ऊपर है। एक्चुअली मेरे पास एक कमेंट आई हुई थी, वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी कि आप हमें बताओ कि हम कौन सा 3D प्रिंटर लें, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको 3D प्रिंटर के बारे में बताने वाला हूँ कि आप कौन सा लें अगर आप न्यू है तो। क्योंकि देखिए, अगर आप फ़ोन लेने जाते हो मार्केट में तो आपको पता होता है कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आजकल हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है, स्पेसिफिकेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है फ़ोन के आने से पहले। तो आपको पता चल जाता है कि ये फ़ोन अच्छा है या बेकार है हमारे लिए, हमको सूट करेगा नहीं। दूसरी बात होती है बजट। आप अपने बजट देख के ही आप कोई फ़ोन लेते हो कि आपको पता होता है कि भाई मेरे पास मेरा बजट इतना है और मैं उसके हिसाब से वो फ़ोन लूँ। तो 3D प्रिंटर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3D प्रिंटर दो तरह के आते हैं, एक आता है DIY किट और एक आती है प्री असेंबल किट। तो जो DIY किट होती है उसका मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताऊंगा दोनों के ही, DIY किट के और प्री असेंबल के। अब पहले बात कर लेता हूँ कि मेरे पास कौन सा है। देखिए, मेरे पास तीन तरह के 3D प्रिंटर है। एक तो आता है जो ANET 8, ठीक है, उसको मैंने एक्चुअली कन्वर्ट कर लिया है AM 8 में। इसका भी रीज़न बताऊँगा क्यों कन्वर्ट किया मैंने। और एक है मेरे पास Ender 3, जो कि अब मतलब कि 2018-19 में जो साल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला 3D प्रिंटर है, ये बिगनर्स के लिए है, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उनके लिए है। और एक है मेरे पास HyperCube, जो कि मैंने खुद बनाई थी। अब वो कैसे बनाई वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ इसी वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को आप प्लीज़ देखते रहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन सा हमें 3D प्रिंटर लेना चाहिए, DIY किट लेनी चाहिए या प्री असेंबल। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरे को आज 3 साल हो गए हैं 3D प्रिंटर यूज़ करते। मैंने जो 3D प्रिंटर लिया था वो मैंने लिया था ANET A8, और ये एक DIY किट है। ये आपको प्री असेंबल नहीं मिलेगा, मतलब कि आपको इसका एक एक स्क्रू भी आपको खुद लगाना पड़ेगा इसके अंदर। तो एक्चुअली ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, इसकी जो पूरी की पूरी जो मैनुअल होती है या वीडियो लगा लीजिए, ट्यूटोरियल होती है, ये पूरे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिस कंपनी का आप मंगवा रहे हो। लेकिन अब कंपनी की बात ले लीजिए, कौन सी कंपनी में हुआ है। देखिए, आज के टाइम में बहुत सारे 3D प्रिंटर मिल जाएंगे, लेकिन जो मैंने यूज़ की है जिसकी प्रिंट क्वालिटी बेस्ट है वो है एक तो ANET, जो कि सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। इसका रीज़न ये, एक तो ये DIY किट है और दूसरा इसकी प्रिंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दूसरा Ender 3 ले सकते हो आप, इसके अंदर क्रियालिटी कंपनी का आता है ये, ANET की कंपनी ANET ही है, बता दूँ आपको, क्रियालिटी का आता है Ender 3। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके ऊपर सहूलियत है। तो देखिए, मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज बता देता हूँ उसकी क्या है। देखिए, पहले आते हैं DIY किट पे। जो DIY किट होती है वो पूरी पूरी असेंबल नहीं होती, बिल्कुल अलग अलग पार्ट पाएंगे आपको, मोटर वगैरह सब कुछ, वायरिंग वगैरह सब आपको खुद करनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि अगर आप उसके एडवांटेज पर बात कर लेते हैं, उसमें क्या होगा कि अगर आप उसको बनाते हो, पहली बात तो ये कि है ना, आपको सारे कुछ ट्यूटोरियल मिल रहा है आपको यूट्यूब पे, आप बना रहे हो। इन केस अगर आपको कभी प्रॉब्लम आती है आपको 3D प्रिंटर में, अगर आप कुछ भी लगा लीजिए, कोई एक फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रिंटिंग अच्छी नहीं आ रही है और बेल्ट लूज़ होगी उसकी, 3D प्रिंटर के अंदर बेल्ट्स होती हैं जो कि इसके हेड को रोटेट करती है, तो वो अगर लूज़ हो जाती है तो प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं आती है। तो क्या होता है कि अगर आपने प्री असेंबल ले रखा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगी इस बेल्ट को टाइट कैसे किया जाए। तो उसके अंदर मैनुअल के अंदर इतना डीपली नहीं बताया होता, जो उनके साथ मैनुअल आती है किसी भी 3D प्रिंटर के साथ, उसके अंदर डीपली नहीं बताया होता कि ये बेल्ट इस तरीके से टाइट होगी। तो अगर आपने DIY किट ली है, ट्यूटोरियल देखे, खुद 3D प्रिंटर आपने असेंबल किया है, तो आपको पता है कि भाई ये यहाँ पे इस तरीके से टाइट होगी बेल्ट, और तब प्रिंटर की प्रिंट क्वालिटी अच्छी आएगी। कल को कोई मोटर ख़राब हो जाती है तो मोटर आपको पता है कि इस तरीके से चेंज होगी। तो ये बेनिफिट है, एडवांटेजेस है DIY किट के। और डिसएडवांटेजेस ये है कि इसमें इसको असेंबल करने में 5 से 6 घंटे का टाइम लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बट 5 से 6 घंटे को मत देखिए आप ये देखिए कि आपको कितनी नॉलेज होगी स्टार्टिंग में 3D प्रिंटर को असेंबल करते करते। हार्डवेयर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर से ज़्यादा, क्योंकि अगर हार्डवेयर नॉलेज नहीं होगी तो आप 3D प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो दूसरी ये बताता हूँ मैं अब आपको, प्री असेंबल में क्या होता है कि जैसे हमारे Ender 3 प्री असेंबल ही आता है, उसके सिर्फ 2 पार्ट होंगे, 2 या 3। उसके अंदर बुक आती है छोटी सी, जो मैनुअल लगा लो आप उसको चलाने की भी, और किस तरीके से आपको असेंबल करने, असेंबलिंग गाइड बोलते से।
तो उसके अंदर दो ही नट का सीन है आपको, सिर्फ और कुछ नहीं करना, दो से चार नट होते हैं बस, और कुछ नहीं, एक दो बेल्ट वगैरह, वो सारी मैं कहने का मतलब ये कि बच्चा भी उसको जोड़ सकता है उसको देख के, हालांकि हमारे बच्चे नहीं जोड़ सकते, जो भाई फॉरेन कंट्री के बच्चे होते हैं वो जोड़ लेते हैं। तो मैं और इसकी एडवांटेजेस क्या है मैं ये बता देता हूँ आपको। एडवांटेजेस ये है, तो इसके अंदर टाइम कम लगता है इसको, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में ये रेडी हो जाता है, और कुछ नहीं है। डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ये है, आपने एडवांटेज तो देख लिया कि 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है मोटर में या कुछ भी बेल्ट में लगा लीजिए, तो आपको नहीं पता इसकी मोटर कैसे चेंज होगी, फिर आप कंपनी वालों का सिर खाएंगे, उनका रिप्लाई लेट आता है कि वो चाइना से इंपोर्ट होकर माल आता है। अगर आप सोच रहे हो अमेजोन से ले लें या उससे ले लें तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कॉस्टली है वहाँ से, और ले भी सकते हो आप अगर आपको जल्दी चाहिए तो, क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे भाई रेट ज़्यादा काफ़ी होते हैं। और अगर आप बाहर से मंगवा रहे हो तो देखो, आप अगर बाहर से मंगवा रहे हो, इंपोर्ट करवा रहे हो इंडिया के अंदर, तो आपके कस्टम ड्यूटी लगेगी। मैं पहले बता देता हूँ, मेरे लगी थी, मैंने अंडर 3 मंगवाया था, उस टाइम सेल लगी हुई थी, 12 से 13 हज़ार रुपये कुछ का आया था, और मेरे 4 हज़ार रुपये मैंने कस्टम ड्यूटी दी थी, तो ये 16 हज़ार का पड़ा था, और अमेज़ॉन वगैरह पे ये कम से कम 22 हज़ार रुपये का उस टाइम मिल रहा था, 22 से 23 हज़ार रुपये का, तो मेरे काफ़ी पैसे बच गए थे। तो उसके अंदर क्या होता है, जो अगर ये बाहर से आ रहा है, अगर आप इम्पोर्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो थोड़ा टिपिकल काम है उसको रिप्लेस करवाने में, काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब ये हो गया आपका जो प्री असेंबल किट है उसके बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने हाइपर क्यूब बनाया वो किस तरीके से बनाई, मैंने खुद 3D प्रिंटर बनाया, वो एक्चुअली बनाया इस वजह से गया था कि मैंने 3 साल हो गए यूज़ करते करते, मेरे को पता है कि 3D प्रिंटर के अंदर अगर हमारी प्रिंटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो कैसे मतलब उसको सॉल्व किया जाए, और मतलब पार्ट्स को किस पार्ट्स को क्या कहते हैं, उनका नाम क्या होता है, मेरे को सब पता चल चुका है 3 साल के अंदर, क्योंकि मेरे को 3D प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बता नहीं सकता, मैं सारा दिन 3D प्रिंटर चलता रहता है, अभी बंद है। और अगर किसी को मन में ये है, जो अगर पहले से 3D प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं और नया यूज़ करना स्टार्ट किया, अगर उनको मन में ये है कि अगर ज़्यादा हम इसको यूज़ करते तो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूँ आपको, मेरा खुद का 3D प्रिंटर बता रहा हूँ आपको, मेरा 3D प्रिंटर 3-4 दिन तक लगातार चलता है कंटिन्यूसली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर। हाँ ये है कि अगर इसको केयर रखना चाहते हैं या उसकी साफ सफाई रखोगे, ध्यान रखोगे थोड़ा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एक और बात बता दूँ आपको मैं, 3D प्रिंटर में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि उसकी जो नोज़ल होती है उसमें प्रॉब्लम आती है और कुछ नहीं। तो अब वही बता रहा हूँ आपको, हाइपर क्यूब मैंने बनाया हुआ है, हाइपर क्यूब एक 3D प्रिंटर ही है, वो थोड़ा सा अलग है इन चीज़ों से, वो एक क्यूब की शेप में है, तो वो मैंने खुद ही बनाया था एक्चुअली, थिंगवर्स से फाइल मैंने डाउनलोड करके मैंने खुद बना लिया था, वो उसके जो पार्ट्स वगैरह सब मैंने मंगवा लिए थे, इंडिया में ही मिल जाते हैं पार्ट्स वगैरह, तो अगर इंडिया से आप मंगवा रहे हो खुद बना रहे हो तो थोड़ा सा सस्ता ही पड़ जाता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 3 से 4 हज़ार रुपये फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो मैं बना लूँगा 3D प्रिंटर तो भूल जाइए, नहीं बना सकते, अगर आप नए नए हैं तो आप किट ही मंगवाइए, अगर मैं मेरी अगर बात मानते हो तो, क्योंकि मैं अपना ये एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने DIY किट यूज़ की थी, ANET, वो मैंने कन्वर्ट कर दिया था AM A8 में, उसका रीज़न ये था कि उसकी जो ANET की बॉडी आती है वो प्लास्टिक होती है, तो उसको क्या है कि वो अगर वाइब्रेशन ज़्यादा होगी उसके अंदर या फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर, तो क्या है कि वो प्रिंटिंग अच्छी नहीं देगा, तो इस वजह से मैंने उसको एल्युमिनियम बॉडी में पूरा कन्वर्ट कर दिया था। काफ़ी टाइम लगा था इसको कन्वर्ट करने में, क्योंकि एक तरह से यूँ लगा लीजिए दोबारा से एक DIY किट को असेंबल करने जैसा ही होता है, थोड़ा ट्रिकी भी होता है, सॉफ्टवेयर वगैरह काफ़ी इसके अंदर चेंज करनी पड़ती है, तो ये सब मेरे को बेनिफिट हुए DIY किट से। तो मैं भी आपको यही, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं आपको सजेस्ट करूँ, तो मैं आपको यही है सजेस्ट करूँगा कि आप DIY किट यूज़ करें स्टार्टिंग में, और अगर आप फिर भी अगर आपका मन है कि यार नहीं यार इतना काम नहीं होगा हमसे, 5 से 6 घंटे हम नहीं कर सकते, तो आप प्री असेंबल एंडरथी बेस्ट है बिगनर्स के लिए, एंडरथी लीजिए, क्योंकि क्रियालिटी में काफ़ी तरह के 3D प्रिंटर आते हैं, इसमें X10 भी आता है, बहुत सारे तरह के 3D प्रिंटर है, सॉरी 10S आता है इसके अंदर, काफ़ी 3D प्रिंटर है, लेकिन आप Ender 3 यूज़ करें, इसमें एक Ender 3 प्रो भी आता है, तो उस Ender 3 और Ender 3 प्रो में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक एक इसके ऊपर जो सरफेस होती है इस पर पार्ट्स बनते हैं उसका ये डिफरेंस, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो Ender 3 लीजिए अगर आपको प्री इंस्टॉल चाहिए तो, और अगर आपको DIY किट यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं ANET, सबसे बेस्ट है और कुछ नहीं। और बाकी आपको उनका लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, दोनों 3D प्रिंटर का। और रहा इसके सॉफ्टवेयर वगैरह भी, मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ या 3D प्रिंटर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, तो
मैं बता अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक हिंट बता देता हूँ कि जो मैं यूज़ करता हूँ, देखिए 3D प्रिंटिंग कोई आसान चीज़ नहीं है, मैं बता दूँ आपको, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने 3D प्रिंटर लिया था तो मैं सोचता था कि भाई 3D प्रिंटर मैंने ले तो लिया है, अब इसको कैसे करें। थिंगवर्स, मैं आपको उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और कब तक करोगे आप, लेकिन आप कब तक करोगे किसी की बनाई हुई फाइल्स को आप डाउनलोड करके आप 3D प्रिंट कर रहे हो, लेकिन आपको खुद को अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप किस तरीके से बनाओगे, उस प्रोजेक्ट का पार्ट कैसे बनाओगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ़ैन बनाना है या कोई भी किसी भी मिलवा लीजिए मोटर की बॉडी बनानी है तो किस तरीके से बनाओगे। हर चीज़ थिंगवर्स पे अवेलेबल नहीं है, चलो अवेलेबल भी है तो आपके पास जो पार्ट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें फिट होगा नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं जो डिज़ाइन के लिए यूज़ करता हूँ सॉफ्टवेयर, वो करता हूँ मैं सॉलिड वर्क, जो कि एक ऑटो कैड में आता है, उसका ही एक सॉलिड वर्क यूज़ करता हूँ। और ये तो हो गया पार्ट्स को डिज़ाइन करने के लिए। दूसरा जो मैंने यूज़ किया है 3D प्रिंटर के लिए, इसमें काफ़ी तरह के आते हैं, क्यूरा आता है, सिंप्लीफाई 3D आता है, तो काफ़ी तरह के इसमें मतलब कि आते हैं सॉफ्टवेयर, जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो कि 3D प्रिंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। बट अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का चाहिए तो क्यूरा सबसे बेस्ट है। क्यूरा, मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से मैं पार्ट डिज़ाइन करता हूं और किस तरीके से मैं 3D प्रिंटर से 3D प्रिंट करवाता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और फिर बता रहा हूं, अगर आपको कोई भी पार्ट चाहिए 3D प्रिंटर से, अगर आपका 3D प्रिंटर नहीं है और आपको नहीं आ रहा समझ में और आप ड्रॉप करना चाहते हैं कि मेरे को नहीं चाहिए 3D प्रिंटर और मेरे को 3D प्रिंटर पार्ट्स ही चाहिए और ज़रूरत है आपको ज़्यादा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, मेल कीजिए मुझे, बताइए कौन सा पार्ट चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत बच्चों को या स्टूडेंट्स को लगा लीजिए, बहुतों को ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की, लेकिन मैंने अभी तक शायद कोई ऐसी वीडियो देखी नहीं यूट्यूब पे जिसमें बता रखा हो बच्चों को कि कौन सा 3D प्रिंटर लेना चाहिए। सारी मोस्टली इंग्लिश में है, कईयों को इंग्लिश में नहीं आती भाई समझ में, तो फिर भी मैंने किया जो मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। Hot, walking on your bitch, yeah, dot, dot, dot.